एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल की। दोस्तों यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है उसके बारे में कि आपका इस बार का टीयर वन का आपका कट ऑफ कितना रह सकता है एसएससी सीजीएल का। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले ही दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट आया था दोस्तों एसएससी की तरफ से ऑफिशियल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया था कि आपका दोस्तों इसमें 68% लोग हैं जो कि आपके एबसेंट हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके लगभग यहाँ पर 32.23% लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एग्जाम दिया है दोस्तों, और आपकी इसी में कट ऑफ बननी है। ठीक है, अब दोस्तों हम बताएं आपको कट ऑफ के बारे में कि दोस्तों कोई भी यूट्यूब पर हो सभी लोग दोस्तों कट ऑफ बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं होती है, ये लगभग आंकड़े होते हैं। ठीक है कि दोस्तों इससे कम या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है। दोस्तों कोई भी बड़ा चैनल हो, चाहे दोस्तों एसएससी का कोई भी बड़ा चैनल हो यूट्यूब पर, सभी लोग बताएंगे दोस्तों, कन्फर्म नहीं बताएंगे कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जैसे कि रेलवे में हुआ था इसमें भी इस बार नॉमिनेशन है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर रॉ मार्क्स की आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जैसे कि मैं अलग अलग बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों जनरल की। ठीक है दोस्तों, आप लोग जनरली कट ऑफ है वो आपकी कितनी रह सकती है मैं आपको बता दूं, आपके दोस्तों जनरली कट ऑफ है सीजीएल टायर फर्स्ट की आपकी, इसमें 127 से आपकी कट ऑफ 135 के बीच में रह सकती है जनरल वालों की। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल वालों की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी वालों की। ठीक है, ओबीसी कितनी रह सकती है आपकी कट ऑफ, दोस्तों ओबीसी कट ऑफ है आपकी वो लगभग 118 से 125 के बीच दोस्तों रह सकती है। ठीक है, ये दोस्तों मैं यहाँ बता रहा हूँ रॉ मार्क्स, आपके इतने रॉ मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये कोई नंबर कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये ओनली रॉ मार्क्स की अभी कट ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको यहाँ पर आपकी एससी कट ऑफ। ठीक है, एससी में आपकी कट ऑफ रह सकती है वो आपकी दोस्तों 108 से लेके 114 के बीच में आपकी दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एसटी की कि आपकी दोस्तों आपकी एसटी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो एसटी की आपकी कट ऑफ है दोस्तों वो 100 से 105 के लगभग आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, जनरल की 127 से 135 के बीच रहेगी, ये हमारा आंकड़ा है एक। ठीक है, और दोस्तों यूट्यूब पर आपको कोई भी बताएगा दोस्तों लगभग ही बताएगा, कोई फिक्स नहीं बताएगा जैसे कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की, तो 118 से 125 के बीच रहेगी। एससी की बात करते हैं तो 108 से 114 के बीच रहेगी। ठीक है, और एसटी की बात करते हैं तो 100 से 105 के बीच रहने वाली है। ठीक है, ये दोस्तों आंकड़े हैं और दोस्तों कोई भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, कट ऑफ इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एक अनुभव की तरह मैंने बनाया है। जैसे कि आपको दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि आपको दोस्तों ये कट ऑफ कितनी अच्छी लगी है या इतनी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।